मैं श्रीमती उषा मंडलोई मुझे कोरोना हो गया था, ठीक है। उससे ठीक होने के बाद मुझे एक पैर में दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर ने डॉक्टर को दिखाया पर उन्होंने मुझे डीबीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैरों में ब्लॉकेज हो जाते हैं आर्टरीज में, डीबीटी वेन्स में प्रॉब्लम बताई। एलोपैथी डॉक्टर ने यहाँ तक डरा दिया कि आज रात में कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने मुझे है ब्लड थिनर है या हाँ ब्लड थिनर बिल्कुल सही ब्लड थिनर की दवाई दी। मैंने महीने भर एक महीने खाने पर भी मैं चल फिर नहीं रही थी। फिर मुझे डॉक्टर अभी एक चोपड़ा सर के मॉडल मॉडर्न थेरेपी होम्योपैथिक के बारे में पता चला। मैंने यहाँ से एक महीने की दवाई से मुझे काफ़ी आराम हुआ और मैं घर के सारे काम करने लगी तथा करीब तीन चार किलोमीटर पैदल चल लेती हूँ। दवाई रेगुलर चल रही है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और कहती हूँ और चाहती हूँ कि जैसे मेरी ठीक हो श्रीमती उषा मंडलोई मैडम बड़ा पी बता दो थोड़ा देर बावड़ी मोड़ पंखा लो मतलब पढ़ पा रहे हैं आप अच्छे से। जिस समय आप आए थे ये जो अपना राइट पीसी ऑक्लूजन था उस समय क्या स्थिति थी अपनी आंखों में देखने में कितना उस समय और अभी में कितना अंतर है आपके हिसाब से? नहीं अंतर तो है पर क्या है कि मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है मैं सोचा था थोड़ा और फास्ट ही वो हो जाएगा। आप अभी अपन पावर वैसे भी बढ़ाएंगे वो तो आपके बॉडी रिस्पॉन्स पर ही अपना पावर डिसाइड होता है ना। बट जिस लेवल पे आप हैं अभी मैं आपकी कुछ टेस्ट भी कराऊंगा ना उसमें और क्लियर होगा मुझे चिंता मत कीजिए। जैसे ये जो पेशेंट आपने बाद में पढ़ा ना ये पेशेंट है ये अपनी उषा मंडलोई है ना हाँ ये दिल्ली में रह रही है अभी। ये अभी इनके फादर का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है ना। इनका यही वाला स्टेज था और इनकी रिपोर्ट जो अपन ने देखी यानी जो रिपोर्ट्स हैं ये पहले और बाद की जो रिपोर्ट्स है ये ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट है। इवन जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो भी बोलने लग गए कि आपने क्या ऐसा किया क्योंकि इनके लिए तो ऐसा बोल दिया गया था कि एक दिन भी आपको घर पे नहीं रहना है नहीं रहना क्या पता रिस्क जोन कब आपके लिए तकलीफ दे दे कब वो ब्लॉकेज उठ के थंबस उठ के हार्ट पे चले जाए कहीं जाके ब्लॉक कर दे कोई नहीं कह सकते। फिर भी ये पेशेंट आज भी और उनकी रिपोर्ट्स में ये बात आ गई तो आज वो भी बढ़िया चल रही है और उन डॉक्टर्स भी सरप्राइज है। तो मोनोपैथी का मतलब ये नहीं होता मैडम का मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसको ऊपर से नहीं अंदर से ठीक करें अपन और कोई तरीका नहीं है अंदर से ठीक होना ही तरीका है। इस पर चाहे ब्लॉकेज हो या किसी भी प्रकार का कैंसर किडनी कोमा सर्जरी जैसे बड़े से बड़े लेवल का क्रिटिकल केस हो यहाँ पे सभी क्रिटिकल केसेस आते हैं। ये जितने भी पेशेंट की डॉक्यूमेंट्रीज हैं इनमें सभी के अपन क्यों रिपोर्ट्स देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद बताया है ये पहले की रिपोर्ट है बाद की रिपोर्ट है और उन्होंने एक तरीके से मैसेज दिया कि कोई नई चीज़ है जिससे अपन किसी की सर्जरी बचा रहे हैं किसी की जान बचा रहे हैं किसी को कैंसर किडनी फेलियर में भी बिना ट्रांसप्लांट बिना कीमोथेरेपी बिना सर्जरी भी अपन किसी को मेंटेन कर पा रहे हैं। अपने लिए भी यही पर्पस है कि आप किसी भी तरीके से इसके लिए जो रिस्की सर्जरी है वो बचा लें। पहली बात तो इसको करना इतना आसान नहीं है सर्जरी को रिस्क लेना भी उतना ही बड़ा रिस्क है सर्जरी करने का जितना अपना इस ट्रीटमेंट के साथ चलने का जो रिस्क था। तो आज के डेट में ना तो आपको अब सर्जरी की ज़रूरत है जिस लेवल पर आपने बताया था ये करीब अपने को आप करीब 4 महीने के ऊपर हो चुके हैं पाँचवा महीना चालू हो गया है आज ठीक है। तो जिस भी लेवल का आपका केस है रिस्पॉन्ड के हिसाब से मेरे हिसाब से बढ़िया चल रहा है अपन और पावर बढ़ाएंगे ठीक है। अपनी पूरी कोशिश है कि आपका ये जो ऑक्लूजन है ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए जैसा इनके रिपोर्ट्स पे आ गया। अब इसके लिए अपने को रिपोर्ट कराना रहेगा एक बार आप ये भी रिपोर्ट अपन कराते हैं शुगर आपका ठीक चल रहा है कोई इशू ही नहीं है उसमें है ना। तो आप निश्चिंत रहिए मेरे हिसाब से आप पूरी तरीके से ठीक भी हो रहे हैं और बिना सर्जरी आप बढ़िया मेंटेन भी कर पा रहे हैं। नहीं तो जिस लेवल पे केस था ये प्रोग्रेसिव केस होता है मतलब आपको 4 महीना नहीं मिलता है 4 महीने में तो ये आपका पूरा साइड इफेक्ट दिख चुका होता या एक लेवल पे ये आगे बढ़ चुका होता मतलब यस।
तो डिटेरेशन बिल्कुल नहीं है आपका, सिर्फ रिस्पॉन्स अच्छा आया है जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और अपन चूँकि एग्रेसिव कर रहे हैं अपन लगातार अटैक भी करेंगे, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही जगह वो कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। अब जो भी है, चूंकि सबका बॉडी का रिस्पॉन्स अपना अपना होता है, इसलिए टाइमलाइन सबका अपना, ये एक महीने में ठीक हो गई, आपको चार महीना लग रहा है ना, तो आप वही चीज़ अपने को आप रिपोर्ट में भी देखनी रहेगी, तो ये आपको फ़ायदा है। तो आप पढ़ पाइए अच्छा है, क्योंकि जिस लेवल पर मैंने आपको पहले समझा था कि पढ़ पाएंगे कि नहीं, पहले वही समझना था। तो मेरा मेन विज़न ये कि चूँकि आपके पूरा प्रॉब्लम विज़न से रिलेटेड है, तो देखने में जो आपने जितना भी पढ़ा मेरे हिसाब से सेटिस्फाइड था, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस तरीके की क्रिटिकल पेशेंट के लिए? सर ये बोलूँगा कि रिकवरी से, कई लोग ऐसी अवस्था में आते हैं जो आपसे भी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। अच्छा। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे, आपका क्या अनुभव शेयर करना चाहते हैं? मैं तो चाहूँगा कि आपके आने के बाद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, हम पहले डर गए थे, और क्या उन्होंने बताया भी नहीं हमको, जैसे इनको डरा दिया। हाँ कि रात भर भी कुछ हो, हाँ इनके लिए तो उन्होंने इसलिए तो बोला है वो बात। हाँ, तो उतनी डर गई थी। हाँ बोल दिया था कि अब नहीं ठीक हो गई। हाँ ऐसा बोल दिया था। हाँ कि ये नहीं ठीक होगा, मतलब आगे जाके नहीं देख पाओगे, ये स्थिति है। तो लगभग यही स्थिति थी आपके लिए भी, यही बोला गया था कि आगे जाके ये चीज हो सकती है, पर आज के हिसाब से तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। चार महीने में तो ये सब चीजें हो चुकी होती, तो ये आपका बॉडी रिस्पॉन्स मॉडर्न ओपीडी से इतना मेंटेन है, आप निश्चिंत रहिए। इसीलिए मैं आपको आज लाइव बात कर रहा हूँ, ठीक है? और ये मैसेज हम लोग हर पेशेंट का देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए चमत्कार के रूप में साबित भी हुआ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे सब जस्टिफाई होके ये सब रिपोर्ट के साथ हम लोग बताते भी हैं, ठीक है? तो चलिए, आपके लिए तो बधाई हो कि आपने जो, आपको कहाँ से पता चला था यहाँ का? मेरा बेटा है, उसका फ्रेंड है। अच्छा, उन्होंने बताया? नहीं, वो यहीं का है, वो जो फ्रेंड है ना, उसका फ्रेंड जो है यहीं रहता है, उनकी इंडस्ट्री है इधर कहीं। अच्छा, उन्होंने बताया। अच्छा, तो वो मतलब वो लोग क्या है, ये रोज एक केस से हम लोग जो शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, है ना, इसमें रोज एक केस शेयर करते हैं, तो 3.5 साल से हमने रोज एक केस शेयर किया है, तो कहीं ना कहीं लोग देखते हैं। तो चूंकि क्रिटिकल केस में ही ज्यादा काम होते हैं, सर्जिकल केस में तो मतलब ट्रीटमेंट लिया हुआ था। हाँ, क्योंकि उनको नॉलेज में है ना, क्योंकि होम्योपैथी 300 साल पुराने सिस्टम से चलती है, मॉडर्नोपैथी मैंने आज के हिसाब से बनाई है, ये डेवलप ही इस तरीके से की है कि ये मॉडर्नोपैथी 300 साल बाद ऐसे कुछ सिस्टम पे ला सकें जिसमें लोगों को फायदा जल्दी हो सके, बिना परहेज का दें, बिना साइड इफेक्ट का, नेचुरल और सेफ। और ऐसे ट्रीटमेंट जहाँ पे लगभग होम्योपैथी में बात नहीं करते या एलोपैथी में फेल हो जाते हैं, उनका क्या होगा, उसके लिए ट्रीटमेंट है मॉडर्नोपैथी। तो इसके दोस्त ने बोला कि तुम जाओ क्लिनिक पे जाओ। हाँ, फायदा होगा, उनका कॉन्फिडेंस जो था वो इसीलिए था क्योंकि उन्होंने यही सब केसेस यहाँ देखे हुए हैं, उनके घर में भी ठीक होते हैं और उनको रोज ऐसा केस जाता है। हाँ है, मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ लोग इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि एक दूसरे को बताते हैं, है ना, इसीलिए बताने की जरूरत हम लोगों को कम पड़ती है क्योंकि आप ऑलरेडी 3,000 पेशेंट का डेटा है, वही बताते हैं। उनकी सिस्टर को भी ऐसी हो गया, पहले एक्सीडेंट हुआ था तो एक आप तो रिकवरी थी, और अभी इसको उनको थोड़ा सा वो हो गया, कोई दिखता नहीं है, और एक साहब है उनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही, उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, पाँच छः लोगों ने नहीं, क्या कैसा भी लेवल का केस हो हम लोग करेंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल उसमें रिस्पॉन्स आएगा उनको, ठीक है? हमारे इसमें रिस्पॉन्स ये है ना, आपके लिए तो आ चुका है, मैं आज इसीलिए लाइव बात कर रहा हूँ आपसे, और लगभग मैं ऐसे पेशेंट के लिए मैसेज भी देना चाहूँगा कि आपको इस तरीके की कोई भी रिटिकल केस में घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहकर आप अपना मॉडर्नोपैथी का ट्रीटमेंट लीजिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में लेंगे तो और जल्दी फायदा हो सकता है, अगर किसी कारण से नहीं पता है आगे बढ़ चुके हैं तो भी सेकेंडरी या आखिरी स्टेज में सही, लेकिन ट्रीटमेंट जरूर ले लें। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से 3,000 पेशेंट ठीक होकर आज दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हुए, ऐसा ही विश्वास आपके लिए हम लोग मॉडर्नोपैथी से दिलवा पाएंगे, और निश्चित रूप से प्रेरणा के रूप में साबित भी हो पाएगा। Thank you.